नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी नारेष्टी। भारत की जनता के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील आज भारत बनाम बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को न्याय दिलाने वाले वकील आज भारत की जो अवस्था है उसको लेकर सजग चिंतित हर वकील ईवीएम के खिलाफ है। पूरे भारत के कोने में बसे भारतीय एडवोकेट ने जो आवाज उठाया है वो सराहनीय है। देश को सरकार चला रही है और सरकार को मीडिया, और मीडिया को व्यापारी सब कुछ बेचने और खरीदने जैसा लग रहा है। अखबार के फ्रंट पेज पर रैली की तारीख और न्यूज चैनल पर सिर्फ राजनीति डिबेट। पेश एक रिपोर्ट। ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक दौर है और मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वकील सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है इस पूरे देश में। दुर्भाग्य कि एक वक्त था आजादी के बाद हर वकील के कहते पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता था, एमएलए होता था। आज गुंडे लुच्चे लफंगे लड़ रहे हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं। एक आदमी लाखों करोड़ों के फीस लेने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा सकते, उनके लिए पैसा अलग है, जनसेवा नहीं है। नंबर टू, ईवीएम। जब आप जानते हैं पेट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट से, ये बहुत आम है, तो क्या एक आदमी बाहर बैठ के गिरते गिरते जो ईवीएम का रिमोट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता? लिहाजा ईवीएम का कहते हैं कि जगह बैलेट से हो, अगर नहीं भी हो तो 50% एटलीस्ट के कितने जो उसके पेपर निकल रहे हैं उसकी कभी भी पर पूरी पूरी सबकी होनी चाहिए, सबकी काउंटिंग होनी चाहिए। अरे ईवीएम नहीं जाती। मेरा ये है कि दोनों चीज के हम समर्थन। अरे अपने नंबर पर बोलो यार, ऐसे तो तेरा नंबर आज तो बोल दियो, बैठ जा। त्यागी जी को बोलने दो। बोलिए त्यागी जी, सुनने दे, आप सुनने दे, बैठ जा। बड़ी स्पष्ट बात है, कल टिकैत साहब ने भी कहा, मैं सहमत हूँ उनसे, कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूरा राज उनका सब है, और जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उन सबको जो है उनके मूवमेंट्स को, उनके इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को कुचला जा रहा है पूरे देश के अंदर। ये जो किसानों के ऊपर दमन हो रहा है ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। 1947 में भारत के पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों से भीख में ये सत्ता ली थी, समझौता करके, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ गद्दारी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने सत्ता ली थी। और उसके 1947 के बाद जिस किस्म का राज कायम किया है, आज हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट, डेमोक्रेसी तो ये सड़कों के ऊपर है। ये जो किसानों का संघर्ष है बड़े पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी है, और हमें इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। डेमोक्रेसी ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना पार्लियामेंट में है, ना संविधान में है, ये सब किताबी बातें हैं। और हम वकील होने के नाते देख रहे हैं इसको। आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं, किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया हो। तो ये जो सरकार है ये निश्चित रूप से एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है, जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं, और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है। yes. और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम भी हमारी बढ़िया है। हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। तो ये जो इलीट है ये आपस में मिला हुआ है, राज कर रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया, चिट्ठी दी लिख करके, तो ये उसी का हिस्सा है। ये सारा इलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब एक हैं, इनके सबके इंटरेस्ट एक हैं, इनके सबके हित एक हैं, और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उन कीलों के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। yes. तो ये डेमोक्रेसी है, हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं, तो आम तौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है
इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि ईवीएम का खेल बंद किया जाए। सोल्यूशन भी बताओ, अल्टरनेटिव भी बोलो। तो उनकी प्रॉब्लम हम अभी ओपिनियन बनाते हैं। ये जो संघर्ष है, ये जो किसानों का संघर्ष है, ये जो हमारा संघर्ष है, हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन डाल रहे हैं, तो ये जो संघर्ष है इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए।